जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज की डेट है 8 अगस्त 2023। आज की इस वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। सभी जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज है जो कि चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 लाइफ अपडेट्स। चंद्रयान 3 इंचेस क्लोजर टू मून आफ्टर सक्सेसफुल ऑर्बिट रिडक्शन मैनोवर। इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज है चंद्रयान 3 के बारे में। देखिए चंद्रयान 3, याद रखना चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुकी है संडे में, और अभी ये सक्सेसफुली इसरो साइंटिस्ट के मुताबिक सभी ठीक ठाक ही है। और ऐसा चलते रहे तो इसरो के जो साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा चलते रहे तो ये 23 और 24 अगस्त पे ये सक्सेसफुली मून का सतह पे, मून का साउथ पोल पे लैंड कर जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है। बस भगवान की दुआ है, दुआ की ज़रूरत है। एंड आप सभी की प्रार्थना करना चाहिए ऐसा हो कि इंडिया ने फोर्थ कंट्री बन जाए। और याद रखना, ध्यान से सुनना, चंद्रयान 3 लॉन्च की गई थी 14 जुलाई टू 35 मिनट्स पर। इम्पोर्टेंट हो सकता है करंट अफेयर के बारे में ये टॉपिक, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इसरो ने लॉन्च की थी, और याद रखना 37 धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा यानी सार से लॉन्च की गई थी। याद रहना इसरो का चीफ है एस सोमनाथ, और इसरो का ऐसा एस्टिमेट की है कि 9 अगस्त को यानी कल के दिन यानी वेडनेसडे के डे में ये नेक्स्ट ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा। याद रखना ये अभी मून का जो ऑर्बिट पे इंटर कर चुकी है, और ये वेडनेसडे को यानी कल को 9 अगस्त को ये नेक्स्ट ऑर्बिट पे पहुंच जाएगा, याद रखना। सो ये था इम्पोर्टेंट शॉर्ट न्यूज। सो हम अभी एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस इन हाउ मेनी स्टेट ऑन ए पायलट बार इज फ्रॉम खरीफ 2023 फॉर बेटर सोइंग डाटा कलेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटर सोइंग डाटा कलेक्शन के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस, ऐसे एक स्कीम है उन्होंने लॉन्च की है यूनियन गवर्नमेंट ने। और अभी ये जो लॉन्च की है डिजिटल क्रॉप सर्वे कितने स्टेट में लॉन्च की गई है, याद रखना ये कौन सी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी ये बेटर सोइंग डाटा कलेक्शन के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 12 स्टेट। देखिए गवर्नमेंट ने ये एक सर्वे करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस लॉन्च की है, बेटर सोइंग डाटा कलेक्शन के लिए लॉन्च की है, और ये 12 स्टेट में अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, और ये खरीफ क्रॉप के लिए, याद रखना खरीफ क्रॉप के लिए। 12 स्टेट का नाम देख लेते हैं। 12 स्टेट आर ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसे 12 स्टेट में ये लॉन्च की गई है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इम्पोर्टेंट डे है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे कब की सेलिब्रेटेड की जाती है, कौन से दिन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, याद रखना 8 अगस्त यानी आज ही ये डे सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। और आज भी अगस्त क्रांति डे के रूप में भी सेलिब्रेट की जाती है, और याद रखना क्वाइट इंडिया मूवमेंट, याद रखना ये सेलिब्रेट की जाती है 8 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओडिया जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। इम्पोर्टेंट डे है, ओडिया जर्नलिज्म डे कौन सी दिन को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 4 अगस्त। 4 अगस्त को ओडिया जर्नलिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। ये क्यों उसी दिन को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, यानी 4 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। उत्कल दीपिका जो कि ओडिया फास्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर ही है,
वीकली वीकली प्रिंटेड न्यूज़पेपर, उसे गौरीशंकर राय के द्वारा, याद रखना गौरीशंकर राय और बाबू विचित्रानंद दास के द्वारा प्रकाश की गई थी 4 अगस्त 1866 में। और याद रखना ये, और उसे ध्यान से देखना सुनना, बाबू विचित्रानंद दास उसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही उनके बारे में कम ही बताया गया है। याद रखना बाबू विचित्रानंद दास और गौरीशंकर राय के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ये जो उत्कल दीपिका न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर, उसे प्रकाश की गई थी। याद रखना इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट डे के बारे में दिया हुआ है। याद रखना फर्स्ट अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। कौन सी डे के रूप में? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 अगस्त को ओडिया जर्नलिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना। और असिस्टेंट डॉग डे के रूप में भी ऐसे सेलिब्रेट की जाती है। ये ऐसे एक डे है। 6 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है हिरोशिमा डे, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया था, उसी दिन के रूप में ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को भी दिया गया है। और 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया उसके बारे में। 11 अगस्त को नेशनल सॉन एंड डॉटर डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है 11 अगस्त। 12 अगस्त को नेशनल यूथ डे, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, आपको तो पता ही होगा। और याद रखना ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे हमारा ओडिशा जीके वर्ल्ड चैनल पे एक इम्पोर्टेंट जीके प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल जीके। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, आपको इसी चैनल में आपको डिटेल्स मिलते रहेगा। और याद रखना इम्पोर्टेंट जीके मिल जाएगा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज ओन द मेन्स सिंगल टाइटल फॉर होमवर्क यूरोपियन 2023? किसने अपने नाम की है टाइटल मेन्स सिंगल टाइटल फॉर होमवर्क यूरोपियन 2023 की? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अलेक्जेंडर जुवेर्व उसका नाम है, उसने ये टाइटल जीती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट ए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर बैडमिंटन? कौन सी राज्यों ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट, याद रखना उत्कर्ष केंद्र स्थापित करेगा, कौन सी राज्यों ने? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, असम। याद रखना गुवाहाटी असम में ये स्थापित करेगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। असम राज्यों ने बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कर्ष केंद्र स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच इज द टॉप सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच इज द टॉप सोर्स मार्केट फॉर टूरिज्म इन श्रीलंका? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया इज द टॉप मार्केट। याद रखना ये श्रीलंका टूरिज्म डिपार्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, इंडिया टूरिज्म डिपार्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये दी गई है ये जो रिपोर्ट। इंडिया ने टॉप मार्केट जो कि टूरिज्म इन श्रीलंका की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हु विल बी द हनर्ड विथ डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड IFFM? किसने जो कि अवार्ड दी गई है किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड IFFM के? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मृणाल ठाकुर, उसका नाम है मृणाल ठाकुर, उसे दी गई है डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ऑफ IFFM की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मासी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप इज रिलेटेड टू व्हिच कमीशन? कौन सी कमीशन से रिलेटेड है ये जो मासी पोर्टल ऐप है, कौन सी कमीशन से रिलेटेड है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट,
याद रखना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की है, उसी से रिलेटेड है। और ये जो मासी एप्लीकेशन ये एक लॉन्च की गई है, ये कौन सी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी? ये जो बाल का देखभाल करने के लिए है, शिशु का देखभाल करने के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ मैन ऑफ द सर्विस इन द ओडीआई सर्विस बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज? याद रखना हु वाज गिवन द टाइटल आज मैन ऑफ द सीरीज इन द ओडीआई सर्विस बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज के बीच में जो खेल में किसे टाइटल मिली है? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईशान किशन। याद रखना ईशान किशन को ये मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिली है, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड ईशान किशन को मिली है। और ये जो इसमें इंडिया ने ओन की है वेस्ट इंडीज को 1-2 से हरा कर, याद रखना इंडिया ने ओन की है वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में जो खेल में इंडिया ने ओन की है और हराया 1-2 से वेस्ट इंडीज को हराया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट हज अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन इंडस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन इंडस्ट्री को किसने अप्रूव की है, एस्टैब्लिश करेगा? सो याद रखना ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इंडस्ट्री जो कि हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज होगा और फ्यूल की तरह व्हीकल में ये यूज होगा हाइड्रोजन फ्यूल, याद रखना। झारखंड का सीएम है हेमंत सोरेन ने ये अप्रूव्ड की। और याद रखना ये फ्यूल की तरह यूज होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये फ्यूल बहुत ही फ्रेंडली हो सकता है, एटमोसफेयर की फ्रेंडली है। सो जो कि हाइड्रोजन इंडस्ट्री जो कि कंट्री का पहला हाइड्रोजन इंडस्ट्री पहले बार झारखंड में एस्टेब्लिश होने वाला है, इम्पोर्टेंट हो सकता है इसीलिए। सो फ्रेंड, ये जितना भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए उसे याद रखना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप नीचे दी गए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। नीचे टेलीग्राम चैनल में आपको सभी इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलते रहेगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसा ही आपको इम्पोर्टेंट जीके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहेगा। सो मैं मिलता हूँ और एक करंट अफेयर टॉपिक के साथ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।